आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। ओरल केयर एडवाइस, एंटी टोबैको एंड कैंसर अवेयरनेस विद एक्सपर्ट डॉक्टर रिदा इफत, डॉटर ऑफ डॉक्टर शिराज खान। सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा ट्रैफिक विभाग पर मुमरा शहर के तमाम ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है और राजन कीने के साथ में यहाँ पहुँचे थे। क्या पूरा मामला है, हम उन्हीं से बात करिए। राजन भाई, आज आप मुमरा ट्रैफिक विभाग पर आए थे, ऑटो रिक्शा ड्राइवर तमाम हैं आप लोगों के साथ में, क्या इनकी मांगनी थी और आपने ट्रैफिक के सीनियर जो है उनसे भी बातचीत की है, क्या बात है? क्या है कि ये जो हमारी एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से जो यूनियन चल रही, इस यूनियन के जो हमारे रिक्शा ड्राइवर है उनका ऐसा मांगनी था कि यहाँ पर जो हम लोग स्टैंड टू स्टैंड चलने वाले लोग हैं और हम लोग डिसिप्लिन में चलने वाले लोग हैं, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो कहीं भी अगर खड़ा रह जाते तो वहाँ पर हमारे गाड़ियों के चोरी छुपे से ऐसा फ़ोटो निकाले जाते, फिर वार्डन के माध्यम से जो फ़ोटो निकालने जाते और उसकी वजह से हमको फ़ाइन लगता है। अभी कुछ रिक्शा वाले को दो बार फ़ाइन हुआ है, तो हमने भी उनको कहा कि रिक्शा वाले, मतलब एक दिन में दो बार, एक ही दिन में दो बार। तो जब बात उनकी तरफ से भी आई तो अगर रिक्शा वाला अगर डिसिप्लिन का ये करेगा, फॉलो करेगा तो ये सब चीज़ें हमको फ़ाइन मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी वो जो बातें थी वो सब बातों को खराड़े साहब जो यहाँ के सीनियर हैं ट्रैफिक के, उन्होंने कुछ बातों को थोड़ा नज़रअंदाज करने के लिए थोड़ा कुछ ये रहेगा, तो लेकिन उनका कहना है कि आप डिसिप्लिन रखो, क्योंकि अगर आप रिक्शा वाला है तो आपका भी पेट चलना मांगता है, लेकिन जो रास्ते पे चलने वाले कुछ लोग हैं तो उनको भी तकलीफ नहीं होना मांगता है। वो हिसाब से उन्होंने थोड़ा कुछ गाइडलाइन दिया है हमारे रिक्शा वालों को और कुछ रिक्शा वालों को लिए रियायतें दी है, तो हम उनको धन्यवाद कहना चाहेंगे कि इस बात को उन्होंने, और रमज़ान बाद जब ये बात आएगी तो पूरे रिक्शा वालों का एक मीटिंग लेके और पूरे रिक्शा वालों का जो प्रॉब्लम्स है, कुछ रिक्शा वालों की प्रॉब्लम्स है या कुछ ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स है, वो आपस में बैठ के उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का हम लोग ने प्लान बनाया है। कुछ किराए को लेकर भी तमाम रिक्शे वाले जिक्र कि किराया उनका कम है। हाँ, तो यहाँ पर यहाँ के विधायक से कुछ किराया नहीं बढ़ा है। यहाँ पर जब 2014 में रिक्शा वालों ने किराया बढ़ाने की बात की थी तो यहाँ का एक विधायक है जो कुछ काम का नहीं है, उसने उनको आश्वासन दिया था कि यहाँ पर तुम्हारे ऊपर जो फाइन लगता है या ओवर सीट गाड़ी चलती है तो उसके ऊपर तुम्हारा कोई फाइन नहीं लगेगा। और उसके बाद में तो हमारे कई रिक्शा वालों के ऊपर ये सब चीज़ें हुई है, लेकिन अभी क्या है कि अधिकारी चेंज होता है तो फिर वो बात भी बदली हो जाती है, तो वो बात बदली हो जाती है, लेकिन विधायक तो यहाँ का बदला नहीं है ना, तो उसको तो रिक्शा वालों के तरफ ध्यान देना चाहिए था कि अभी वो रिक्शा वालों ने उनका मान रखा था कि 2014 में भाड़ा नहीं बढ़ाया था पब्लिक के सम्मान में और उनके मान में भाड़ा नहीं बढ़ाया था, तो अभी जो उनके ऊपर जो जाती हो रही रिक्शा वालों के ऊपर, कहीं भी उनको फ़ाइन मारा जा रहा है या ओवर सीट के ऊपर फ़ाइन मारा जा रहा है, तो ये सब चीज़ें जो अंडरस्टैंडिंग कुछ हुई थी तो उसको ध्यान देना मांगता है ना, रिक्शा वाले को जो तकलीफ़ हो रही है उसको दूर करना मांगता है ना, कि उधर थाना में ही बैठ के जब यहाँ का लोकल आदमी रहता है, यहाँ का जो परेशान आदमी रहता है उसको यहाँ की परिस्थिति मालूम रहती है, तो अभी 2014 के 2024 के बाद मालूम पड़ेगा क्या है वो। आप कह रहे थे कि भाड़ा नहीं बढ़ाया गया, तो भाड़ा बढ़ाने को लेकर क्या मांग की आपने राजन दादा से मुलाकात की थी? देखिए, पहले सबसे पहले हमारे अध्यक्ष राजन दादा साहब, हम गए थे राजन दादा को बताए कि भाई ऐसी मसले 2014 के अंदर चानू भाई और चमीम भाई के लड़के लोग ने दादागिरी की थे, ड्राइवर को मारे थे, समझे। फिर उसके बाद मुमरा पुलिस स्टेशन वो मसला गया,
उधर पे नईम खान साहब आए, रामकृष्णा भाई आए, इनका एक समझौता हुआ कि भाई आमदार साहब ने ये समझौता किया कि वो सीट चलो और भाड़ा मत बढ़ाओ। आज तक कि हम वो सीट चले, उसके बाद भी 2014 से कंटिन्यू हम फाइन ले रहे, मगर ये जब से बार बार सीनियर चेंज हो रहे हैं ना, इसके बाद से इतनी ज़्यादा तकलीफ हो गई है कि हर रिक्शा वालों को एक एक दिन में दो दो बार चलान हो जा रहे हैं। तो ये किसकी जवाबदारी बनती है? आमदार साहब की बनती है ना, कि उनने आश्वासन दिए थे, उनके बोलने के ऊपर हमने लाखों रुपए का अपना धंधा शहर के ऊपर छोड़ दिए, पैसे नहीं लिए। 2010 साल का आप सोचो, एक रिक्शा वाले ने 300 रुपये छोड़ा होगा तो 10 साल में कितना पैसा छोड़े, किसके लिए छोड़े? हमारे आमदार साहब का मान सम्मान किए थे, तो वो कहाँ है अभी? अभी रमज़ान महीना चल रहा है भाई, एक एक जन को 4-4 हज़ार 4,500 रुपये फाइन आया, उनके बच्चों का कपड़ा लत्ता बनेगा कैसा? अवार्ड साहब देने आएंगे या वो शानू भाई देने आएंगे? उधर पे 500-500 रुपये के अंदर वार्डन तो लगा दिए, मगर आप वार्डन देखो 12 फीट की जगह छोड़ के वार्डन खड़े हो रहे रात में। किधर गाड़ी उतारेंगे, किधर पैसेंजर उतारेंगे, किधर से पैसेंजर लेंगे? कितने सारे समस्या है भाई, कितनी सारी समस्या वहाँ पर। गुलाब बाग मार्केट है और जो एरिया वहाँ पर पैसेंजर नहीं उतारने को इनको। एक मिनट, इस्लामुद्दीन भाई, गुलाब पार्क मार्केट का अभी हमारा विषय नहीं है। गुलाब पार्क मार्केट के ऊपर शरीफा रोड और किस्मत कॉलोनी के ऊपर हमने लाइन बना लिए, मुमरा प्रभाग समिति से जब हमने मांग किए थे, उनने उतनी जगह वो साइड के अंदर। अभी इधर मसला क्या हो गया, ये होटलों की जो लाइन लगी है ना, आप बोलिए पीला पट्टी एकदम गाय गाय में वो पीला पट्टा मारे, आप जाइए पीले पट्टे को रात को देखिए, पीले पट्टे के अंदर बाइक को पार्किंग दे दिए, जबकि वो लगा था रिक्शा वालों को रिक्शा साइड में दबा के उतारने और चढ़ाने के लिए। अब उधर पे जब बाइक पार्किंग होती तो जाहिर सी बात है रिक्शा वाला रोड पे रुकेगा ना, कहाँ रुकेगा, कहाँ रुकेगा, आप बताइए। अभी यहाँ के हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक खराड़े साहब ने कहा है कि इस चीज़ को मैं इतने जब से आया हूँ तब से मैं उसका मुआयना कर रहा हूँ और उसका पूरा मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ और वो ऑब्जर्वेशन किया हूँ और हो सके उतना रिक्शा वालों को रियायत देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि रमज़ान तक के अपन थोड़ा शिथिलता रखते हैं, उसके बाद में पूरा बैठ के अपन पूरे ट्रैफिक का मसला हल करेंगे मुमरा का। धन्यवाद। तो आपने सुना कि ट्रैफिक और किराए को लेकर यहाँ पर जो है राजन की ने और कुछ तमाम ऑटो रिक्शा यूनियन के लोग हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, सीनियर पीआई जो ट्रैफिक विभाग के हैं, उनसे मुलाकात की और कहा जा रहा है कि रमज़ान के बाद जो भी इनकी समस्या है उसका हल किया जाएगा।